एक युवक और युवती की जोड़ी ने गरीब दंपति को तरह तरह का लालच देकर मौका पाकर उसके 6 माह के बच्चे का अपहरण कर लिया। गुरुवार तड़के करीब 4:15 बजे रेलवे स्टेशन पर यह घटना घटी है। जिस बच्चे का अपहरण हुआ है उसके माता और पिता नागपुर शहर में भीख मांगकर अपना पेट पालते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकारकर्ता महिला अपने बच्चे को लेकर बुधवार दोपहर मेडिकल चौक परिसर में भीख मांग रही थी। एक जूस सेंटर के पास उसने जब संदिग्ध आरोपी से भीख मांगी तो उसने कुछ देर में आने की बात कही। कुछ देर बाद महिला का पति वहां पर आया, फिर संदिग्ध आरोपी और उसके साथ आई युवती ने उन्हें अपने पास बुलाया। भीख मत मांगो, तुम्हें अच्छा रोजगार दिलाकर देंगे, यह कहते हुए दोनों आरोपियों ने भीख मांग रहे दंपति को अपने जाल में फंसाया और शेगांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर लेकर आ गए। सेवाग्राम एक्सप्रेस से शेगांव जाने की तैयारी के दौरान ही भीख मांगने वाले दंपति में झगड़ा हो गया। इससे शेगांव जाना रद्द करके वे सभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर सो गए। सुबह 6 बजे नींद से जागने पर महिला को अपना बच्चा नहीं दिखा और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर पति और पत्नी रेलवे पुलिस थाने में गए। उन्होंने 6 माह के बच्चे का अपहरण होने की शिकायत की। पुलिस ने तुरंत दौड़ भाग करके प्लेटफॉर्म नंबर 4 के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तड़के करीब 4:15 बजे महिला के आशा से बच्चे को उठाकर आरोपी युवक युवती संतरा मार्केट के गेट से जाते हुए नजर आए। इसी बीच 6 महीने के बच्चे के अपहरण की होने की खबर से रेलवे पुलिस में हड़कंप मच गया। रेलवे पुलिस के पुलिस अधीक्षक अक्षय शिंदे ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। बच्चे और आरोपी का पता लगाने के लिए रेलवे पुलिस की टीमें अलग अलग इलाकों में रवाना की गई। रेलवे पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को दबोच लिया है। जीआरपी की पुलिस निरीक्षक मनीषा काशित ने बताया कि आरोपियों को तेलंगाना के मंचरियल में एक वाहन से पकड़ा गया है। बताया गया है कि आरोपी और बच्चे के पिता ने रात में गणेशपेट की एक बियर बार में शराब पी थी। इसके बाद यह आरोपी ने ऑनलाइन पेमेंट किया था, इससे उसका मोबाइल नंबर पुलिस को मिल गया। दिनांक जो 6 जून 2024 को पैट सुबह 4:30 बजे के दौरान नागपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे से एक 6 महीने के बच्चे का अपहरण हो गया, जिसका तपास तुरंत गुना दाखिल करते हुए जीआरपी थाना नागपुर में उसका गुना नोंद करते हुए उस बच्चे को और आरोपी को ढूंढने के लिए टीम तैयार की गई। माननीय पुलिस अधीक्षक साहब श्री अक्षय शिंदे सर इनके मार्गदर्शन में और माननीय SDPO श्री सोनवाने सर और काशिद मैडम PI थाना प्रभारी काशिद मैडम इनके नेतृत्व में पथक तैयार करके बच्चे का और अपराधियों का शोध किया गया, जो कि हमें मंचेरियाल तेलंगाना में यहाँ वो मिले। बच्चा सुखरूप है, आरोपी अभी हमारे हिरासत में है, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जी हाँ, ये सच है कि हम लोगों ने ये 24 घंटे के अंदर बच्चे को और आरोपियों को ढूंढ निकाला है। और ये भी है कि आरोपी जो है उनके माँ बाप से, बच्चे के माँ बाप से मित्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा थोड़ा सामने आ रहा है। लेकिन इस बारे में हम अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन आगे जो होगा तो आपको फिर बताएंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।